अस्सलाम वालेकुम। होम डेकोरेशन एंड इंटीरियर आइडियाज से मैं हूं नवीद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिद्दा डिकोर। व्यूवर्स, आज हम आपके लिए एक बार फिर विनाइल फ्लोर का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में बहुत ही ज़बरदस्त वुडन कलर का ये विनाइल फ्लोर है जिसके अंदर ग्रेनिंग बनी हुई है। बहुत ही आला क्वालिटी का डिज़ाइन है। तो विनाइल फ्लोर के अंदर ये वुडन के अंदर बहुत ज़बरदस्त लुक देता है। तो आज हम इसको आपको लगाकर भी दिखाएंगे और इसकी प्राइस के हवाले से भी आपसे शेयरिंग करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक होम डेकोरेशन एंड इंटीरियर के आइडियाज़ की तमाम वीडियोस आपको बरवक्त मिल सकें। चले तो मैं इस विनाइल फ्लोर का आपसे रिव्यू करवाता हूँ। जी व्यूअर्स, जैसा आप देख रहे हैं, ये विनाइल फ्लोर हमने स्ट्रिप्स की शक्ल में इसको एक फ्लावर शेप दी है। इसके मुख्तलिफ़ पैटर्न के मुख्तलिफ डिज़ाइन बनते हैं। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन बन सकता है। फ्लावर टाइप भी डिज़ाइन बनता है और इसकी खूबसूरती और इसकी लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके मटेरियल की बात करें तो पीवीसी मटेरियल है। एक ये और डिज़ाइन है जो हम पैटर्न बना सकते हैं इसके अंदर। तो इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और वुडन शेप दे रहा है। इसकी क्वालिटी चाइना है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। ये एक और डिज़ाइन है जो बहुत ही आला क्वालिटी का डिज़ाइन है। ये भी डिज़ाइन पैटर्न है, तो आप किसी भी सूरत में आप इसको यूटिलाइज़ करवा सकते हैं। इसके साइज़ की बात करें तो ये 6 इंच इसकी चौड़ाई है और 36 इंच इसकी लंबाई है जो स्ट्रिप है। तो इसको हम रैंडमली इसको फिक्स करते जाएंगे और इसकी क्वालिटी जो है आप देख सकते हैं, इसके डिज़ाइन की क्वालिटी। तो व्यूअर्स, ये जैसा आप देख रहे हैं, हमने इसकी पेस्टिंग शुरू कर दी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी इस रूम के अंदर। इसके लिए आप इसको पेस्ट करने के लिए आप सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप ग्लू यूज़ कर सकते हैं, जो समद बॉन्ड यूज़ कर सकते हैं एडहेसिव के तौर पे। तो ये हम जो आज हम पैटर्न लगा रहे हैं, ये वर्टिकल शेप में हम एक पैटर्न बना रहे हैं। इसमें होता ये है कि हम एक स्ट्रिप मुकम्मल लगाते हैं, एक हाफ़ लगाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे फिक्सेस जो पीस हैं फिक्सेस होते जाते हैं। इसको आप बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसकी केयर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस पे आप जो है इसको धो नहीं सकते। बाकी इस पे ये गीला जो वेट कपड़ा होता है उससे स्पंज के मदद से इसको साफ़ किया जाता है। इसकी क्लीनिंग की बात तो ये हो गई। इसकी लाइफ की बात ये है कि आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ स्क्रैच नहीं करेंगे। जैसे कोई हैवी चीज़ होती है उसे आप उठा कर ही रखेंगे तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके अलावा आप अपने डोर मैट यूज़ करें, एक अंदर मैट हो और एक बाहर हो, तो आप इसे कारपेट के तौर पे यूज़ करेंगे, जूतों के बग़ैर यूज़ करेंगे तो इसकी लाइफ आप 7 से 8 साल ले सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये हाफ रूम हमारा तैयार हो चुका है। तो ये चंद घंटों में एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक पेश कर रहा है। इसके फ्लोर की आप हालत देख सकते हैं कि जो बहुत ही देखने के काबिल नहीं है, उस पे ये चंद घंटों में विनाइल फ्लोर अप्लाई हो जाता है और उसकी लुक एक वुडन शेप की आ जाती है।
आप पाकिस्तान में कहीं से भी हमें ऑर्डर कर सकते हैं विनाइल फ्लोर के लिए, सर्विसेज के लिए भी आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं, पंजाब एरिया से हमें टारगेट कर सकते हैं। इसके डिज़ाइन के हवाले से आप हमसे शेयरिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है और स्क्रीन पर भी ये नंबर हमारा शो हो रहा है। आप इसके डिज़ाइन के अबाउट, इसकी क्वालिटी के अबाउट और इसके यूज़ के अबाउट आप हमसे तफसीलन बात कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये रूम कंप्लीट हो चुका है। इसके साइज़ की बात करें तो ये 17x15 फिट का रूम है। इसकी प्राइस के हवाले से मैं आपसे शेयरिंग करता हूँ कि इसके प्राइस के हवाले से रोज़ अप एंड डाउन रेट्स होते हैं। इस वक्त ये 140 रुपये स्क्वायर फिट के हिसाब से ये विनाइल फ्लोर इंस्टॉल होता है। इसमें कार्गो चार्जेस अलग होते हैं और सर्विस चार्जेस अलग होते हैं। ये पेस्टिंग के साथ रेट है। तो आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट के साथ ज़रूर बताइएगा। ये मुकम्मल होने के बाद विनाइल फ्लोर की लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही आला क्वालिटी और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये विनाइल फ्लोर अपना दिखा रहा है। ये ग्लॉसी विनाइल फ्लोर है, इसमें मैट की शक्ल भी आती है। तो आज की वीडियो के लिए यही, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।